अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 2400 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। और आज मैं, कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला, कल दोपहर के से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला, मैं नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूं। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। ये दो दिन भी जो चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने वाली हर बातें हुई है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए, प्रेरक विषयों के लिए आप सबको भी, देशभर के कार्यकर्ताओं को भी नड्डा जी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं।